हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्या क्लासेस बेतिया। आज मैं आपके साथ वंस अगेन लाइव क्लास के साथ प्रेजेंट हूँ। सो आप जितना जल्दी हो सके हमारे इस लाइव क्लास के साथ जुड़िए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, उनको शेयर कीजिए इस लिंक को, ताकि अधिक से अधिक आपके दोस्त, आपके क्लासमेट, आपके फ्रेंड हमारे लाइव क्लास से जुड़ सके और वे इस लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठा सके, ठीक है ना। और साथ में आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहिएगा कि हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और जितना अधिक से अधिक हो सके आप हमारे वीडियो को ही शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच, ठीक है ना। ताकि ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको अगर हमारा लाइव क्लास प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, देन वो आपके शेयर के माध्यम से हमारे इस क्लास को वो देख सकेंगे, ठीक है ना। बिकॉज आज का जो हमारा लेक्चर है वो आपका वेरी 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 स्पेशल सेशन है। बिकॉज आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आप थोड़ा बहुत तो 8 क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, बट डीपली आप आज पढ़ने वाले हो इस 9th क्लास में, ठीक है ना। और इसके आगे जब आप 10th क्लास में जाओगे देन वहां भी आपको इस सेम लेक्चर को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना, पॉलीनोमियल्स में। बिकॉज आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। तो इससे पहले मैं एक छोटे से टॉपिक्स पे थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो वो हमारा टॉपिक्स क्या आपका है, वो मेरा टॉपिक्स है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। ये आपका क्या होता है तो इसको हम समझेंगे इसके डिफिनेशन के थ्रू, ठीक है ना। तो पहले इसको हम नोट डाउन कर ले रहे हैं, और साथ में आप भी कॉपी निकालिए और अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिए। रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो। देखिए, हमने यहां पे लिखा है आपका कि अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कोई रियल नंबर अल्फा हो, हमने आपको बताया था अल्फा मतलब क्या, आपका एक ग्रीक सिंबल है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कोई रियल नंबर, मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे सबको एक यहाँ पे फिक्स्ड हमने एक वैल्यू ले लिया, अल्फा ले लिया है। तो कोई भी आपका रियल नंबर अगर अल्फा के फॉर्म में हो, ठीक है ना, वो आपका जीरो जब पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, इफ पी अल्फा इज जीरो, ठीक है ना। अगर आपका उस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पॉलिनोमियल में, देन अगर आपका वैल्यू जीरो आ गया देन उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो जब पॉलिनोमियल। तो अभी तक आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो उसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल लिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपका 10, ठीक है ना। और देखिए हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक्स लिए, हम यहाँ पे एक्स लिए थे, यहाँ पे एक्स लिए, अगर यहाँ पे मोबाइल लिए होते यहाँ पे आपका वाई होता वेरिएबल, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे हम कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं, और पुट करने के बाद, ठीक है ना, इस पूरे का वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एंड देन अगर इस वैल्यू पे हमको पुट करने के बाद अगर पूरा जीरो आ रहा है देन जिस वैल्यू को हम पुट करेंगे उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ पुट कर रहे हैं आपका लेट एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो आपका, तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया आपका x इज इक्वल टू 5, डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ठीक है ना, माइनस 10। डेट मीन्स आपका कितना हो गया, 10 माइनस 10, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, और कितना आपका आंसर आ गया, जीरो। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि पी 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने 5 को पुट किया और आपका आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि 5 इज ऑल्सो कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो 5 को भी हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जिस वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं और पुट करने के बाद अगर हमारा रिजल्ट जीरो आ रहा है तो वैसे वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है ना। छोटा सा आपका टॉपिक था तो इसको आप पहले कर लीजिए नोट डाउन। तो आई होप कि आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। देन इसको चलिए अब हम देखने वाले हैं फैक्टराइजेशन। ये थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है। आज के सेशन में हम फैक्टराइजेशन में समझेंगे आपको
लीनियर पॉलीनोमियल के बारे में और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में। दैट मीन्स कि किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल को या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, आज के हमारा सेशन है, आज के हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। और इसमें हम जानेंगे कि आपका टू टर्म भी हो सकता है, देन देखेंगे यहाँ पे आपका थ्री टर्म भी हो सकता है, यानी आप देखेंगे यहाँ पे हम कि फोर टर्म भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि टू टर्म में, ये अगर टू टर्म दिया हो उसको हम कैसे करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका ग्रुप ए में। देखिए हमने यहाँ पे इतना कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बेसिस पे आप आसानी से ग्रुप ए के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें देखते हैं हम पहला क्वेश्चन, 5x² - 20xy। देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो फैक्टराइज करने का सबसे इसका पहला रूल क्या होता है कि देखेंगे कि दोनों टर्म में कौन सा ऐसा वैल्यू है जो आपका कॉमन है, वो हो सकता है आपका कॉन्स्टेंट भी या हो सकता है वेरिएबल भी। यहाँ देखिए, तो आपका अगर दोनों में हम कॉमन की बात करें तो यहाँ पे आपका कॉमन क्या निकल रहा है, 5 निकल रहा है, एंड वन सेकेंड यहाँ पे क्या निकल रहा है आपका x, बिकॉज यहाँ भी आपका x है और यहाँ भी x है। देखिए तो 5 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 2x दिया हुआ है, यहाँ पे आपका x बच गया एंड आपका माइनस हो गया, 5 4 कितना आपका हो गया 20 हो गया, x कैंसिल हो गया और यहाँ पे कितना आपका बच गया y, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे आप आसानी से देख सकते हो सेकेंड क्वेश्चन को, 5a (b+c) ब्रैकेट क्लोज -7b (b+c). यहाँ देखिए, ये आपका बहुत ईजी है, टॉप नहीं बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ देखें हम, अगर इस टर्म में देखें हम तो दोनों में आपका कॉमन क्या दिया है, देखिए तो यहाँ पे आपका दोनों में दिया है कॉमन b+c, यहाँ भी आपका दिया है कॉमन b+c। तो इसको हम बाहर निकाल देंगे, बिकॉज यहाँ पे बोले थे हम कि आपका जो भी कॉमन दिया हो, जो भी आपका कॉमन दिया हो टर्म में, और इसको हम बाहर निकालते हैं। यहाँ देखिए तो आपका यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल देंगे आपका b+c, एंड देन यहाँ पे कितना आपका रिमेनिंग हो गया 5a, एंड माइनस यहाँ पे कितना आपका बच गया 7b, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। और इसके बेसिस पे आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर सकते हो। देन हमने टाइप ए को पूरा कर लिया, अब हम देखेंगे टाइप बी को। चलिए, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, देन इसको हम इरेज कर रहे हैं, x² - 4। देखिए x², ठीक है ना, और देखिए -4, 4 जो होता है आपका किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। देखिए तो अब यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला सेटअप हो रहा है, क्या a² - b², ठीक है ना। और हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुका है बाबू कि a² - b² डेट इज इक्वल टू a+b (b) क्या आपका होता है a - b। तो x प्लस कितना आप हो गया 2 हो गया, एंड यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा x - 2, ये हमारा हो गया आंसर। सेकेंड आपका दिया हुआ है x² - 6। देखिए हमने यहाँ पे इसको उतार दिया है x² - देखिए यहाँ पे आपका 4 2 का स्क्वायर था, लेकिन क्या यहाँ पे 6 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता है। तो आपका रूल क्या कहता है, कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो तो उसमें हम अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो आपका यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √6 कर देंगे, एंड इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ऐसा क्यों, यहाँ देखिए बाबू स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो गया, एंड वंस अगेन यहाँ पे कितना आपका आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका वंस अगेन फॉर्मूला बन रहा है a² - b² a+b (a-b), डेट मीन्स यहाँ पे आपका a कितना हो गया x हो गया, x+√6 (x-√6) हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका ए हो गया, आपका बी हो गया, a+b (a-b). अब यहाँ आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को, y-9। यहाँ देखिए, ये आपका वेरिएबल दिया है, वेरिएबल पे आपका स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला, अगर कंस्टेंट किसी स्क्वायर का फॉर्म नहीं हो या फिर वेरिएबल पे स्क्वायर नहीं दिया हो तो उसको हमेशा कहाँ डालेंगे, अंडर रूट में डालेंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे,
रूट के अंडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई हो गया माइनस नाइन किसका आपका होता है, थ्री का होता है स्क्वायर। और यहाँ देखिए वंस अगेन इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, क्यों, बिकॉज हमको वाई फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट से आपका स्क्वायर कट गया, यहाँ से कितना आपका आ गया वाई आ गया, और थ्री से कितना आपका नाइन आ गया। और यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला बैठ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वंस अगेन, ठीक है। देन हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, अंडर रूट वाई प्लस थ्री इंटू अंडर रूट वाई माइनस थ्री, ठीक है ना, ये हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर फोर, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है ना, इसी के बेसिस पे। एंड देन हम इन दोनों में से हम देख रहे हैं किसी एक क्वेश्चन को, चलिए हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को, देन आपका फाइव ही बन जाएगा, ठीक है ना, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए सिक्सटीन किसके आपका होता है स्क्वायर, फोर का होता है, देन यहाँ पे एक्स दिया हुआ है और पूरा क्या कर देंगे यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो फोर फोर जा सिक्सटीन हो गया और एक्स का स्क्वायर आपका आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एंड माइनस ट्वेंटी फाइव किसका आपका होता है फाइव का स्क्वायर, एंड देन वाई और पूरा का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। वंस अगेन आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। क्या देखिए तो बाबू फोर एक्स प्लस फाइव वाई इंटू फोर एक्स माइनस फाइव वाई, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। एंड देन जितना हमने इस क्वेश्चन को छोड़ा हुआ है आप आसानी से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो आपका ग्रुप सी का क्वेश्चन है ये आपका थ्री टर्म का दिया हुआ है, ठीक है ना, थ्री टर्म इसमें दिया हुआ है, तो एग्जाम में अधिक से अधिक इस टाइप का क्वेश्चन अराइज करता है, ठीक। यहाँ तक का दिया हुआ है थ्री टर्म, तो रूल आपका क्या बोलता है कि अगर थ्री टर्म दिया हो तो उसमें हम फर्स्ट टर्म को एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे देन यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इंटू कितना कर देंगे माइनस एट, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, देन हमें क्या मिलेगा माइनस एट एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे कि इसको प्लस करने पे और माइनस करने पे जो हमारा मिडिल टर्म है वो आ जाए, ठीक है ना, एंड वंस अगेन उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ इतना ही आ जाए, ठीक है। तो देखिए तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे एक एक्स लिख दिया, हमने यहाँ पे एक लिख दिया एक्स, दो एक्स हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए, टू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे आपका फोर और यहाँ पे कितना आपका हो गया टू। अगर आपका थर्ड टर्म में मिडिल नंबर के पास, मिडिल टर्म के पास माइनस का साइन दिया हो, देन यहाँ पे हम जो ग्रेटर नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वहां पे माइनस करेंगे और यहाँ पे आपका प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे आपका प्लस होगा देन यहाँ पे हम क्या कर देंगे माइनस स्मॉलर नंबर के पास, और यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको चेक कर लीजिए, फोर इंटू टू एट हो गया, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, अब प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ देखिए सॉरी माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, यहाँ पे कितना आपका हो गया माइनस टू एक्स, ठीक है ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और इस मिडिल टर्म के बदले हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, कितना पाया हुआ है माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स, ठीक है ना, एंड देन माइनस एट, बस इसके बदले हमने इसको पूरा को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। एंड देखिए अब यहाँ पे आपका टर्म कितना आ गया, फोर टर्म आ गया। अब इसको हम ऐसे ग्रुप में कर देंगे और करने के बाद यहां से हम निकाल देंगे कॉमन, तो देखिए तो यहाँ बाबू यहां से आपका कॉमन क्या निकल गया, एक्स निकल गया, और यहाँ पे कितना आपका बच गया एक्स बच गया, माइनस हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे कितना का रिमेनिंग हो गया फोर हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे यहां से हम क्या निकालेंगे ताकि हमारा अंदर क्या चाहिए हमको एक्स माइनस फोर, तो यहां से हम क्या निकाल देंगे आपका टू निकाल देंगे, टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स बच गया, टू फोर जा एट हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे आपके बाबू प्लस निकालेंगे, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस माइनस, देखिए तो आपका अंदर सेम आ गया ना। अगर अंदर सेम नहीं आ रहा है, अगर कॉमन मैच नहीं कर, कॉमन नहीं हो रहा है, अगर मैच नहीं कर रहा है, देना गलती बना रहे हो, ठीक है। अब देखिए अब यहां से इन दोनों को हम जब मिल रहा है कॉमन, इसको हम बाहर निकाल देंगे, एक्स माइनस फोर कर देंगे, एंड वन सेकेंड यहाँ पे क्या आपका बच गया एक्स बच गया, और प्लस यहाँ पे कितना आपका हो गया टू हो गया, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए हमने क्या देखा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन इसके बेसिस पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, ठीक है ना। एंड देन
अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन को, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आपका ये अरेंज है कि नहीं है। ठीक है ना, देखिए पहले देखेंगे ये आपका क्या है, आपका लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है। यहाँ देखिए तो आपका इसका डिग्री कितना आपका दिया हुआ है, इसका डिग्री दिया आपका 2 दिया है, दैट मींस कि आपका क्वाड्रेटिक है। अब देखिए हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म क्या होता है बाबू, आपका क्वाड्रेटिक का फॉर्म होता है क्या, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए तो यहाँ पे वाला आपका टर्म क्या रहा है, एक्स स्क्वायर वाला, ये तो आपका दिया हुआ है। देन आपका सेकेंड टर्म क्या रहा है, एक्स वेरिएबल का। देखिए यहाँ पे आपका एक्स वेरिएबल कहाँ पे दिया है, थर्ड टर्म पे दिया है, तो पहले इसको हम इसमें अरेंज कर लेंगे इस फॉर्म में। तो देखिए तो देन हम इसको लिख सकते हैं क्या, 6x² - 7x। देखिए तो इसको मैंने पहले कर दिया ताकि हमको क्वाड्रेटिक का फॉर्म फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, एंड देन लास्ट में हमने क्या कर दिया आपका, -3। ठीक है, अब यहां से हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पे 6x² हो गया इनटू यहाँ पे कितना आपका हो गया, -3, देन कितना आपका आ गया, -18x². ठीक है ना, अब इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करने के बाद उसको प्लस करें और माइनस करें, देन हमें क्या निकल जाए यहाँ पे, सेकेंड टर्म। ठीक है ना, मिडिल टर्म। यहाँ देखिए तो आपका यहाँ पे आपका एक्स दिया हुआ है, एक एक्स यहाँ पे हो गया और एक एक्स यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है 18, हमने यहाँ पे ले लिया 9 और यहाँ पे ले लिया हमने क्या, 2। और हमने क्या बताया था कि अगर मिडिल टर्म के पास माइनस का साइन दिया हो, देन इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वहां पे देते हैं माइनस, और छोटा के पास क्या देते हैं, प्लस देते हैं। अगर यहाँ पे प्लस दिया हो तो इसके पास क्या आपका होगा, प्लस, और छोटा के पास क्या आपका होगा, माइनस। ठीक है ना, अब इसको चेक कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस हो गया, 9x - 2x कितना आपका हो गया, 7x, और ये आपका बड़ा है, देन यहाँ पे इसका साइन यहाँ पे उतर गया। ठीक है ना, अब यहाँ चेक कर लीजिए, 9 × 2 = 18 हो गया, x × x कितना आपका आ गया, x². ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा, अब माइनस प्लस क्या आपका हो गया, माइनस। ठीक है ना, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म 6x², और इसके बदले हम इन पूरा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, कितना आपका आएगा बाबू, -9x और +2x। ठीक है ना, एंड देन यहाँ पे कितना आ गया, -3, बस इसके बदले हम इसको यहाँ पे उतार दिए और इन दोनों के यहीं से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम ले लेंगे पेयर, ठीक है ना, और यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन। देखिए तो यहाँ से कॉमन आपका कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, बिकॉज 6 9 3 के टेबल में आता है और दोनों में x दिया हुआ है, देन यहाँ से हम x निकाल देंगे, 3 × 2 = कितना आपका हो गया, 6 हो गया, x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 2x दिया हुआ है तो यहाँ पे आप 1x बच गया, माइनस हो गया, 3 × 3 = कितना आपका हो गया, 9 हो गया, x से x कैंसिल हो गया। ठीक है ना, एंड देन यहाँ देखिए तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बोले बाबू, कॉमन, ये ताकि अंदर सेम आए, तो यहाँ से हम निकाल देंगे कॉमन 1 निकाल देंगे। ठीक है ना, +1, यहाँ देखिए तो आपका कितना आपका हो जाएगा, 2x हो गया, कितना आपका हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस क्या आपका हो गया, माइनस। ठीक है, और देखिए अंदर आपका क्या हो गया, कॉमन मैच कर रहा है। ठीक है ना, इसको हम बाहर निकाल देंगे, तीन यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, 2x - 3, एंड बाहर आपका क्या बच गया है, 3x, ठीक है ना, +1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है ना, एंड देन अब हम देखने वाले हैं थ्री टर्म में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को, जो आपका रूट के अंडर दिया हो। ठीक है ना, जहाँ पे आपका रूट दिया हो, देखिए यहाँ पे आपका रूट दिया है। ठीक है ना, तो आपके एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ में रहेगा ही रहेगा, चाहे आपका क्लास 9th हो चाहे आपका क्लास 10th हो, वो आपका रहेगा रूट के बेसिस पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको आप कॉल कीजिएगा ताकि आपको कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है, तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा, जो आपका दिया हुआ है 4 × √3 x² + 5x - 2 × √3। ठीक है, देखिए
यहाँ पे रूट देखकर आपको मतलब कि नर्वस नहीं होना है, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे वैसा ही बनेगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे, आपका फर्स्ट टर्म को एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है, 4 इंटू अंडर रूट 3 दिया हुआ है इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 4 इंटू 2 कितना आपका हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना। देखिए ये आपका रूट के बाहर दिया है, 4 इंटू 2, 4 आपका 8 हो गया, और यहाँ पे आपका रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आपका होता है, 3 होता है, देन आपके यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, एंड एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस प्लस यहाँ पे क्या होता है, माइनस, एक बार फिर से देख लीजिए, 4 × 2 = 8 हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 यहाँ पे आपका 3 हो गया, और इंटू यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे क्या आपका हो गया, माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 8 × 3 = कितना आपका होता है, 24 माइनस हो गया, और यहाँ पे कितना आपका आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि ब्रेक करने के बाद हमारे यहाँ से क्या निकल जाए, मिडिल टर्म। यहाँ देखिए तो बाबू, यहाँ पे आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे एक एक्स हो गया और एक एक्स यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 5, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लिख देंगे 8 और यहाँ पे कितना आपका हो गया, 3। देखिए 8 × 3 = कितना आपका हो गया, 24 हो गया, एक्स इंटू एक्स कितना आपका हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला था कि अगर यहाँ पे प्लस दिया हो तो माइनस कहाँ देते हैं, स्मॉलर नंबर के पास, ठीक है ना। अगर यहाँ पे माइनस दिया हो तो माइनस कहाँ देंगे, ग्रेटर नंबर के पास। अब यहाँ पे माइनस दे चुके हैं, देन यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, प्लस। अब इसको चेक कर लीजिए, प्लस माइनस क्या आपका होता है, माइनस, तो 8x - 3x यहाँ पे कितना आपका आ गया, 5x, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर देंगे 4 × √3 x² और इसके बदले हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे प्लस 8x - 3x, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे कितना आपका हो गया, 2 × √3। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको पेयर कर देंगे। देखिए तो यहाँ पे ये आपका पेयर हो गया, और यहाँ से हम निकालेंगे कॉमन। तो देखिए तो बाबू, यहाँ से कॉमन आपका कितना निकल गया, 4 निकल गया, और यहाँ पे एक्स निकल गया। देखिए तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आपका बच गया, √3। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2x, देन यहाँ पे आपका 1x बच गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब इन दोनों में हम ऐसा क्या निकालेंगे कॉमन कि आपका अंदर क्या आना चाहिए, √3 आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3x। देखिए अगर हम 3 की बात करें तो 3 डेट मीन्स कितना आपका हो गया, √3 × √3, इतना ही टू इतना कितना आपका हो गया, 3 हो गया। कोई भी नंबर दिया हो उसमें आपका उसका 2 रूट होता है, ठीक है ना। अगर हम 2 की बात करें तो इसके अंदर कितना आपका हो जाएगा, √2 × √2। अगर हम 5 की बात करें कितना आपका हो जाएगा, √5 × √5। तो वैसे ही आपका यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3 और इसके अंदर कितना आपका रूट दिया हुआ है, 2 रूट दिया है। तो यहाँ से अगर हम एक को बाहर निकाल दें, अगर हम एक को कॉमन ले लें बाहर, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे 3 से हमने एक को बाहर ले लिया रूट को, तो यहाँ पे कितना आपका बच गया, 1 तो बच गया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे x बच गया, ठीक है ना। एंड देन यहाँ देखिए बाबू, ये से आपका ये कैंसिल हो गया, और कितना आपका बच गया, 2 बच गया। देखिए इस 3 में से हमने एक को बाहर, हमने एक को ले लिया, एक आपका बच गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, x बच गया, और यहाँ से ये से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे कितना आपका बच गया, 2 बच गया। अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, प्लस दिया है, तो यहाँ पे हमको प्लस चाहिए, देन यहाँ पे आपका दिया है माइनस, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, माइनस। देखिए तो माइनस माइनस क्या आपका हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या आपका हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। और देन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कॉमन निकल गया, √3x + 2, और यहाँ पे आपका सेम आ गया, इसको हम बाहर निकाल देंगे, आपका √3x हो गया, ठीक है ना, +2 हो गया, कॉमन बाहर निकल गया। एंड देन यहाँ पे आपका कितना बचा हुआ है, 4x, ठीक है ना, माइनस यहाँ पे आपका कितना बोलिए तो बचा हुआ है,
√3, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आई होप कि इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे आपके आर एस अग्रवाल बुक में एंड आपका आर डी शर्मा बुक में, ठीक है ना, ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिया है, आप उसको खुद से ट्राई कीजिएगा। हमने यहाँ पे क्या देख लिया, ग्रुप ए में देख लिया, ग्रुप बी देख लिया, ग्रुप सी देख लिया, ठीक है ना। एंड देन अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी में, जहाँ पे आपका दिया हुआ है फोर्टर, ये आपका बहुत ही ग्रुप है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको एक बार अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है फोर टर्म, ठीक है ना, डेट मीन्स यहाँ पे आपका ऑलरेडी अरेंज है, इसमें आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में। यहाँ पे केवल हमको इसको ग्रुप में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए तो आपका यहाँ पे आपका दिया फोर टर्म, इसको हम बनाएंगे दो ग्रुप, ठीक है ना। और यहाँ से हम क्या आपका कॉमन निकाल देंगे बाबू, एक्स निकाल देंगे कॉमन, यहाँ पे आपका एक्स बच गया माइनस एक्स एक्स आपका कट गया, और कितना आपका बच गया फोर बच गया। अब यहाँ देखिए तो बाबू यहाँ से हम क्या निकालेंगे कॉमन, कि आपका अंदर सेम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे टू, यहाँ पे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आपका एक्स बच गया टू फोर से कितना आपका आ गया एट आ गया। और देखिए अंदर आपका दिया माइनस, यहाँ पे हमको माइनस चाहिए, ठीक है ना। देन यहाँ पे हम क्या लेंगे प्लस, देखिए प्लस 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 हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका कॉमन मैच कर रहा है, ठीक है ना, कॉमन आ गया। देन यहाँ पे हम एक्स माइनस फोर को ले लेंगे कॉमन, ठीक है ना। एंड देन यहाँ पे कितना आपका बच गया एक्स हो गया, और प्लस यहाँ पे कितना आपका हो गया टू, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे आप आसानी से क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और देखिए अभी आपका फैक्टराइजेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने केवल 40% ही कवर किया है, अभी आपका रिमेनिंग 60% है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। डेट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक बाबू।